सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की सूचना मांगने पर आरटीआई कार्यकर्ता से तहसीलदार ने किया भद्रता। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सदर जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सगरा की संख्या 268 पर तहसील प्रशासन व भूमाफियाओं की साठगांठ से करोड़ों की सरकारी भूमि पर दरबंगई करने वाले लेखपाल व भूमाफियाओं का अवैध कब्जा होने के कारण लोगों द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी, जिस पर लेखपाल व तहसील प्रशासन की मिली भगत से सूचना गलत दी गई। उच्च संबंध में तहसीलदार महोदय के पास आरटीआई मांगने वाला शिवम शुक्ल जांच हेतु पत्र ले गया था कि टीम गठित कराते हुए जांच कराई जाए, परंतु तहसीलदार महोदय सदर द्वारा जवाब मिला। कहा गया कि क्या तुम्हारी जमीन है, उक्त जमीन से तुमसे क्या मतलब है, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आम जनता को प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने का हक है, तो क्या यह जानने का हक नहीं है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ कि नहीं, या कौन अतिक्रमण किया है और क्यों। तहसीलदार महोदय सदर की बातों से स्पष्ट होता है कि तहसील प्रशासन की सह पर ही उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, इसीलिए तहसील प्रशासन द्वारा आरटीआई के अंतर्गत गलत सूचना प्रदान की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले शिवम शुक्ला का कहना है कि यश मुझे समय अंतर्गत एवं सही सूचना नहीं दी जाती है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ जाने को बाध्य होना पड़ेगा। मैं अवगत कराया कि यदि सही सूचना तथा सही प्रकरण की जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ एवं राज्य सूचना आयोग खंडपीठ लखनऊ जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। रिपोर्ट अखिलेश तिवारी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अरे वहाँ कौन है? कौन है बाहर? हाँ सर, एक थी सर सूचना मिली थी हमें, वो गलत सूचना मिली है, इसके लिए सर टीम गठित कर दीजिए कि वहाँ क्या गलत सूचना मिली बता। कि वहाँ की वर्तमान स्थिति सर खाली है, जबकि वहाँ पे अतिक्रमण क्या आई। सुपरवाइजर हैं आप जी? कितने हैं आए हुए लेखपाल सर? अब हम तो 6-7 दिन देखे। अच्छा चलिए बैठाइए, मीटिंग हॉल में आती है। एक एक वकील साहब आएंगे अपनी बात। ये सर इनका कथन तीसरे बिंदु पे कहना है कि ये चीज वहाँ पे मिल्कियत सरकार है, लेकिन जबकि वहाँ मौके पे सर अतिक्रमण है। क्या अतिक्रमण है बताओ? मकान बना हुआ है। तो क्या हो गया, तुम्हारी जमीन है वो? नहीं सर। सब तुमसे क्या मतलब है? दूसरे की सूचना दूसरे को नहीं दी जा सकती, नियम कानून जानो, खुरापाती आदमी हो गए ना। तुम्हारी जमीन है ना कुछ है? मेरे यहाँ अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है। कार्यालय में अतिक्रमण होगा, मेरे कार्यालय में होना चाहिए, वहाँ मुझे कोई अधिकार नहीं, ना सूचना दी जा सके। नियम कानून जानो, बस एक ठो दे दोगे हर चीज का नियम कानून जानो। दूसरे सूचना हम तुमको क्यों देते? और मेरे कार्यालय में नियम है उसका कि मेरे उस कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध होने चाहिए। मेरे कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है सर। लेकिन खाली खुरापात करने हमारी भी जमीन वहाँ सर फंसी हुई है। जाओ ना, तुम्हारी जमीन है। एक वकील साहब आएंगे। थैंक यू सर। आई